नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। जी हाँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो आजकल एक लाइफस्टाइल के कारण एक बहुत कॉमन दिक्कत हो गई है और एक क्रॉनिक दिक्कत है, बहुत लंबे समय से लोगों को होती है और लोग परेशान रहते, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। आज हम साथियों आपको बताएंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में, वो दवाएं जो आपको जो तकलीफ है उसमें वास्तव में राहत देंगी, आपको आराम देंगी। लेकिन सबसे पहले साथियों, मैं फिर कह दूंगा, दवाएं बहुत अच्छी बताते हैं लेकिन किसी भी प्रिस्क्रिप्शन किसी से प्रिस्क्राइब करे बिना दवा ना लें। हमेशा कोई भी होम्योपैथिक दवा किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्रिस्क्राइब करा के ही लें। अब साथियों, बढ़ते हैं हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस के विषय में बातचीत की तरफ। सबसे पहले जान लें अल्सरेटिव कोलाइटिस होता क्या है। अल्सरेटिव कोलाइटिस साथियों, जो हम लोग के शरीर की आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन, जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आ जाता है, क्रॉनिक मतलब काफ़ी वक्त से बना हुआ इन्फ्लेमेशन बना रहता है और आ जाता है, तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है साथियों। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में सिमिलैरिटी है लेकिन फिर भी दोनों अलग हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपके रेक्टम में या फिर आपकी पूरी बड़ी आंत में सूजन हो सकती है, लेकिन क्रॉन्स डिजीज में आपकी कुछ आंत के हिस्से में सूजन होती है और कुछ आंत के हिस्से में सूजन नहीं होती है, मतलब वो पैचेस में होती है, तो वो क्रॉन्स डिजीज होती है। वो एक अलग विषय है जिसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज चर्चा करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस पे। अल्सरेटिव कोलाइटिस आपके कोलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन के इन्फ्लेमेशन की कंडीशन को कहा जाता है, जो कि क्रॉनिक हो चुकी हो यानी लंबे वक्त तक आपके बीच मौजूद हो। दूसरी बात साथियों आती है, इसके कॉजेस क्या होते हैं। इसके कारण साथियों, अल्सरेटिव कोलाइटिस के तीन प्रमुख कारण होते हैं। एक आपका लाइफस्टाइल होता है, स्मोकिंग से लेके जो आप सब ये एडिक्शन वाली चीज़ें होती हैं, या फिर फ्रीक्वेंटली चेंजेबल ईटिंग हैबिट्स होती हैं, जब वैसी कंडीशन आती है तो आपकी इंटेस्टाइन का जो मैकेनिज्म है कोलोन का, वो डिस्टर्ब हो जाता है और कहीं ना कहीं वो अल्सरेटिव कोलाइटिस को जन्म देता है। दूसरा साथियों, जेनेटिक हो गया, किसी को जेनेटिक रूप से अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। और तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है, वो आपका खुद का इम्यून सिस्टम हो गया। जब आपका बैक्टीरिया ने आपके बॉडी में आए, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, तो कोलोन ने उसको, आपके इम्यून सिस्टम ने उसको ख़त्म करने के लिए कोलोन में अपने मैकेनिज्म को एक्टिवेट करा, वो बैक्टीरिया को उसने ख़त्म कर दिया, लेकिन बाद पे वो सिस्टम वैसे ही चलता रहा, वो सबसाइड नहीं हुआ और फिर वो आपके जो स्वस्थ सेल्स हैं, जो हेल्दी सेल्स हैं, उनको भी डैमेज करने लगा, उसने इन्फ्लेमेशन पैदा कर दिया। फिर एक और बात आती है कि इसके सिम्टम्स क्या है। साथियों, सबसे बड़ा अल्सरेटिव कोलाइटिस का सिम्टम है डायरिया। अगर आपको डायरिया हो रहा है जिसमें कि आपको म्यूकस और ब्लड या म्यूकस या ब्लड आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। साथ में आपके एब्डोमेन में क्रैम्प्स आते हैं और आपको फ्रीक्वेंट अर्जिंग टू स्टूल होती है, बार बार स्टूल जाने का मन करता है। अगर यह स्थितियाँ साथियों हैं तो यह सिम्टम अल्सरेटिव कोलाइटिस के हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस साथियों, इसके अन्य सिम्टम भी हैं, जैसे कमजोरी आना, आपको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस रहना, आपके क्रैम्प्स एब्डोमेन में आना, आपके स्टूल में म्यूकस आना, ब्लड आना, यह तमाम सारे सिम्टम हैं जो आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आपको बताते हैं। फिर साथियों, यह तो बात हो गई इसके सिम्टम्स के विषय में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है तो हम इसके लिए करें क्या। इसके लिए साथियों, होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। आज हम आपको इसकी 10 कारगर दवाओं के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले साथियों आपको फिर से बता दें, क्या कार्यक्रम आपकी जानकारी के लिए है। कोई भी दवा बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से पूछे ना लें, या कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। चलते हैं साथियों 10 प्रमुख होम्योपैथिक दवाओं पर अल्सरेटिव कोलाइटिस के विषय में। इसकी सबसे कारगर दवा साथियों है सल्फर। सल्फर 1000 पावर में अगर आप वीकली ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस से बहुत राहत देगी।
सल्फर का सिम्टम साथियों होता है, सल्फर का मरीज को सुबह ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती हैं, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी होता है। तो अगर आपके सुबह सुबह दिक्कत बढ़ रही है, सुबह उठते हैं तो उस समय दिक्कत बढ़ती है, आपके स्टूल में म्यूकस आता है या ब्लड भी आ सकता है, अगर यह स्थिति साथियों रहती है तो आपकी दवा सल्फर है। सल्फर के मरीज को खाने में मीठा बहुत पसंद होता है, तो अगर आप मीठे के प्रेमी हैं और आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो आपकी दवा सल्फर है। फिर साथियों एक और स्थिति आती है दूसरी, कि जब आपके मोशन में ब्लड आ रहा हो, अगर आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है और आपको बार बार अर्जिंग हो रही है, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा, बार बार जाना पड़ रहा है और हर बार ब्लड आ रहा है, या साथियों अगर स्थिति है तो इसकी दवा है मर्कसॉल। आप मर्कसॉल 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका यह जो ब्लडी स्टूल वाली अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्थिति है यह कंट्रोल हो जाएगी, यह ठीक हो जाएगी। फिर साथियों एक तीसरी स्थिति आती है, जब आपके स्टूल में म्यूकस आ रहा हो, अगर आपके स्टूल में म्यूकस आ रहा है और आपके फ्रीक्वेंट अर्जिंग टू पास स्टूल है, तो इसकी दवा साथियों एलोज है। आप एलोज सोकोटिना 32 बार दिन में 3 बार उस स्थिति में ले लें, कि जब मन से ये निकलता हो कि आँव भी आ रही है स्टूल में और मन नहीं भर रहा, बार बार इनकम्प्लीट स्टूल हो रहा है और सुबह के टाइम ज़्यादा हो रहा है कि बार बार स्टूल जाना पड़ रहा है, लेकिन कहे अभी संतुष्टि नहीं मिली, कुछ बचा रह गया है, यह स्थिति साथी हो तो इसकी दवा जो है आपकी है एलोसोकोट्रिना। फिर साथियों एक स्थिति आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, कि जब आपको लैट्रिन जाने में मोशन पास करने बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है, अगर यह स्थिति हो कि आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता हो मोशन जाने में, तो उसकी दवा साथियों है नक्स वोमिका। आप नक्स वोमिका 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, जब आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो और साथ में लैट्रिन जाने में मोशन लगाने में बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा हो, तो आप नक्स वोमिका 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपको निश्चित रूप से फ़ायदा दे देगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है, कि जब आपके स्टूल में ब्लड के साथ म्यूकस भी आ रहा हो, अगर ब्लड आ रहा है तो उसकी दवा मर्कसॉल है, लेकिन अगर ब्लड के साथ म्यूकस भी आ रहा है तो उसकी दवा साथियों मर्कोर है। मर्कोर 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, इससे आपके जो स्टूल में म्यूकस आ रहा है वह म्यूकस रुक जाएगा, और इस दवा में भी आपको मोशन में इसके मरीज को, मर्कोर 30 के मरीज को मोशन में बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, यह स्थिति हो साथियों तो मर्कोर आपके लिए मुफीद दवा है, आप इसको लेके लाभ पा सकते हैं। फिर साथियों एक और स्थिति आती है, कि जब आपके स्टूल में ब्लड आ रहा हो और आपको बहुत वीकनेस आ गई हो, और यह परेशानी आपको शाम के वक्त ज़्यादा होती हो, अगर यह साथियों दिक्कत हो तो आपकी इसके लिए बहुत मुफीद दवा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 1 mg पावर में आप वीकली 2 बूंद 55 मिनट के फासले पे 3 बार हर वीक में ले सकते हैं, उस स्थिति में कि जब आपके कमज़ोरी बहुत आ रही हो शाम के वक्त और आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो और आपके शरीर में जलन हो रही हो, जलने वाली जलन हो रही हो, बर्निंग हो रही हो और स्टूल पे भी आपके बर्निंग हो रही हो, तो इसके लिए बहुत ही मुफीद दवा है साथियों फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस 1 mg जो है वह वीकली ले लें, आप पाएंगे कि आपको फ़ायदा हो गया। एक और स्थिति साथियों आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, पेनफुल स्टूल। स्टूल पास ऑन करते वक्त बहुत पेन हो रहा है, अगर साथियों यह स्थिति हो कि आपको स्टूल पास करते वक्त बहुत पेन हो रहा है, आपके दर्द हो रहा है एनस पे, तो इसकी बहुत अच्छी दवा है नाइट्रिक एसिड। आप एसिड नाइट्रिकम 200 पावर में 2-2 बूंद 55 मिनट के फासले पे वीकली 3 बार, यानी एक वीक में 55 मिनट के फासले पे 2-2 बूंद 3 बार हर वीक ले सकते हैं, तो आपके ये पेनफुल स्टूल इन अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। हम लोग अपने क्लिनिक पर देखते हैं तमाम मरीजों को इससे फ़ायदा मिलता है। फिर साथियों एक और स्थिति आती है, कि आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस और साथ में आपके जॉइंट्स पेन हो रहा हो, अगर यह स्थिति साथियों आपके है कि आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो और आपके जॉइंट्स पेन भी हो रहा हो, जोड़ों में दर्द हो रहा हो, खासतौर से छोटे जोड़ों में दर्द हो रहा हो, सुबह उठते हो तो मुट्ठी ना बंद होती हो, उसमें पेन होता हो, तो इसकी साथियों बहुत अच्छी दवा है कोल्चिकम। आप कोल्चिकम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, तो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस विथ जॉइंट्स पेन, विथ स्मॉल जॉइंट्स पेन रहता वो ठीक हो जाएगा और आपको यह आराम दे देगा। एक और स्थिति साथियों आती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, जब आपके येलो स्टूल होने लगता है,
तो अगर आपको येलो स्टूल हो रहा है उस रेटिकुलाइटिस में, कभी कभी ब्लड आ रहा है, कभी कभी येलो स्टूल हो रहा है, यह स्थिति साथियों बनती है, तो इसकी दवा चाइना है, सिंकोनाफिसनेलिस का आप दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं उस स्थिति में जब आपके येलो स्टूल हो और आपके एक्सट्रीम डिबिलिटी यानी वीकनेस हो, तो सिंकोनाफिसनेलिस 200 दो दो बूंद दिन में 3 बार आपको बहुत लाभ देगी। एक साथी अल्सरेटिव कोलाइटिस में और स्थिति आती है जब आपके स्टूल में बहुत बदबू हो। अगर आपका स्टूल ऑफेंसिव है तो इस स्थिति में साथियों बहुत अच्छी दवा है लिकेसिस। आप लिकेसिस 1 mg दो दो बूंद वीकली ले सकते हैं उस स्थिति में जब आपका स्टूल ऑफेंसिव हो और यह तकलीफें रात में ज़्यादा बढ़ती हों। यह स्थिति साथियों हो तो इसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है लिकेसिस 1 mg। एक और साथियों उसके बाद स्थिति आती है कि जब आपको स्टूल हो रहा हो, मोशन हो रहा हो और क्रैम्प बहुत आ रहे हो, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में आते हैं, तो इस ऐठन को रोकने के लिए, इन क्रैम्प्स को रोकने के लिए साथियों बहुत अच्छी दवाएं हैं दो, कोलोसिन 30 और डायस्कोरिया। कोलोसिन 30 दो दो बूंद दिन बार और डायस्कोरिया 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप क्रैम्प्स की पेट की स्थिति में ले सकते हैं। जब पेट में मरोड़ और ऐठन हो रही हो तो उस स्थिति में अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये बहुत फ़ायदा कर देगी। साथियों ये कुछ दवाएं थी आपके लिए अल्सरेटिव कोलाइटिस के विषय में। कोई भी दवा किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही ले, उसके बिना ले न ले, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको साथियों मन में कोई सवाल आ रहा हो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9415786380, इस पर आप अपना क्वेश्चन हमें पोस्ट कर सकते हैं। हमें खुशी होगी आपको कंस्ट्रक्टिव जवाब देने में जो आपको फ़ायदा करे, या फिर आप नीचे नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं, आपको जवाब का लॉजिकल जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथियों अगर ये आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच जाए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन जो नीचे दिया है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।